सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की दसवीं किताब जान पहचान हिस्सा 4 से सबक दूसरा, जिसका नाम है बहादुर शाह का हाथी और इसके मुसन्निफ है मीर बाकी अली दहलवी। तो हम इस सबक को शुरू करने से पहले इस सबक के मुसन्निफ के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इसके जो मुसन्निफ के बारे में उसमें क्वेश्चन आता है आपके पेपरों में, तो हम पहले इसके मुसन्निफ के बारे में पढ़ते हैं। मीर बाकी अली दहलवी, ये इनका पूरा नाम है। दिल्ली के आखिरी दास्तान गो थे, यानी कि दास्तान का मतलब होता है कहानी, और दास्तान गो का होता है कहानी लिखने वाला या कहानी सुनाने वाला। वो दास्तान सुनाने दूर दूर जाते थे, राजाओं और नवाबों के दरबार में बुलाए जाते थे। यानी कि राजाओं के टाइम पर जब इनको एक नाम से बहुत बड़े दास्तान गो थे, तो इनको दास्तान सुनाने के लिए बुलाया जाता था। वो रियासत पटियाला में दास्तान सुनाने के लिए मुलाजिम भी रहे, यानी कि जब ये रियासत पटियाला थी वहाँ पर इनको नौकरी भी मिली है दास्तान सुनाने के लिए। पटियाले से दिल्ली आ गए। दिल्ली में इमली की पहाड़ी पर इनका घर था। कहाँ पर घर था इनका? दिल्ली में इमली की पहाड़ी पर, ये जगह का नाम है। सिनेमा के रिवाज ने दास्तान गोय के फन को मुतासिर कर दिया, यानी कि जब सिनेमा का चलन हुआ तो जो दास्तान थी उसके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जिसकी वजह से इनकी उम्र का आखिरी हिस्सा गरीबी में बसर हुआ। यानी कि इनकी जो उम्र का आखिरी हिस्सा चल रहा था, लास्ट चल रहा था, वो गरीबी में गुजरा। दास्तान गोई इन्हें वर्षे में मिली थी, यानी कि विरासत में मिली थी। वो अपने नाना मीर पेठा के शागिर्द थे, यानी कि अपने नाना के वो शिष्य रह चुके हैं। शाहिद अहमद दहलवी ने लिखा है, मीर साहब बज्म और रज्म को इस अंदाज से बयान करते कि आंखों के सामने पूरा नक्शा खिंच जाता। यानी कि इस तरह से वो दास्तान सुनाते थे कि पूरी की पूरी जो उसकी कहानी होती है उसके अंदर वो सामने आ जाती है, ऐसा लगता है हम उसे सामने देख रहे हैं। दास्तान कहते जाते और मौका बेमौका एक्टिंग करते जाते, यानी कि दास्तान सुनाते भी जाते और एक्टिंग के साथ सुनाते थे, अभिनय के साथ सुनाते थे। हर इल्म का इन्होंने बाकायदा मुबतला किया था, यानी कि हर इल्म की इन्हें जानकारी थी। बुढ़ापे में ना कदरी वो कसम परसी के हाथों मीर साहब को बड़ी तकलीफ पहुँची। मीर बाकी अली दहलवी ने पाजी पड़ोस गाड़े खां ने मलमल जाकर तलाक दे दी और मौला बख्श हाथी के नाम से किताबें भी लिखी थी। भाई ये इनकी तीन इम्पोर्टेंट किताबें थी, कौन सी? पाजी पड़ोस, गाड़े खान ने मलमल जाकर तलाक दे दी, और तीसरी थी मौला बख्श हाथी। ये था हमारे मुसन्निफ के बारे में। अब हम इस सबक को शुरू करते हैं। जिसका नाम है बहादुर शाह का हाथी, यानी कि मौला बख्श इतना ऊंचा हाथी था। ये भाई हाथी का नाम है मौला बख्श, उसके कदर के बराबर हाथी नजर से नहीं गुजरा, यानी कि इसके बराबर इतना ऊंचा हाथी आया ही नहीं। जब उस पर अम्मारी गसी जाती थी, अम्मारी का मतलब होता है हाथी की पीठ पर एक कुर्सी बांधी जाती है जिसका कोई भी शख्स या कोई भी व्यक्ति बैठ सके, तो वो दिल्ली के किसी दरवाजे से निकल नहीं सकता था, वो और भी ऊंचा हो जाता था उसके बनने के बाद। वो चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता था और इसी तरह अंदर दाखिल होता था। आखिर बहादुर शाह ने बादशाह ने लाहौरी दरवाजे को तुड़वा कर मौला बख्श ही के वास्ते इतना ऊंचा करवा दिया कि वो माँ अम्मारी के गुजर जाए। यानी कि उन्होंने क्या किया बादशाह ने, कि जो दिल्ली का है ना लाहौरी दरवाजा था उसको तुड़वा कर इतना ऊंचा करवा दिया उस हाथी के लिए कि उसके माँ अम्मारी यानी कि उस पर जो कुर्सी बंदी होती है उसके साथ ही उस दरवाजे से निकल जाए। अकबर शाह सानी के ज़माने में एक सौदागर मौला बख्श हाथी को लाया था। अकबर शाह सानी बादशाह के ज़माने में एक सौदागर मौला बख्श हाथी को लेकर आया था। उसके फेल बान बुखारा के एक सैयद थे, यानी कि उसकी जो सवारी करवाने वाला था वो एक सैयद था, यानी कि ऊंचे खानदान का था, क्योंकि किसी और शख्स का बादशाह की तरफ पीट करना बेअदबी थी, यानी कि बादशाह की तरफ पीट करके बैठना बादशाह की तोहीन समझी जाती थी। बहादुर शाह ने फेलबान को महापत खां का खिताब दिया और जागीर बख्शी। एक रोज़ मौला बख्श मस्ती में आकर बेकाबू हो गया। सैयद साहब को गाफिल पाकर यानी कि बेखबर पाकर उसने उन्हें सूंड में लपेट लिया। फिर उसने उनकी एक टांग अपने पाँव के नीचे दाब कर और एक सूंड में पकड़ कर इन्हें जिंदा चीर डाला, यानी कि उसे मार दिया इसने हाथी ने। स
सैयद साहब की बेवा का नन्ना सा बच्चा। क्या बेवा का मतलब होता है कि उनकी बीवी जो विधवा हो चुकी थी, उनका जो नन्ना सा बच्चा 2-1.5 बरस का उसकी गोद में था। बेचारी खाविन के गम में रोती पड़ती आई। खाविन का मतलब होता है उसके पति के गम में। और अपने बच्चे को मोला बख्श के आगे डालकर कहा, यानी कि उस हाथी के आगे उसने उस बच्चे को डाल दिया, ले मोए इसको भी माल डाल। उस वक्त तक मोला बख्श की मस्ती उतर चुकी थी। उसने बच्चे को सूंड से पकड़कर अपनी गर्दन पर बिठा लिया। उस रोज से ये बच्चा मोला बख्श के साथ रहता। बच्चे के सामने मोला बख्श से जो कहो वो फौरन करता। और जहाँ ये बच्चा मोला बख्श के आंखों से ओझल हुआ, मोला बख्श ने दंगा करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि जब भी वो बच्चा उस हाथी के सामने होता तो उससे जो भी कहो वो सब करता था। और जैसे ही वो बच्चा उनकी आंखों से दूर हो जाता उस हाथी से, तो वो दंगा करना शुरू कर देता, यानी कि तोड़फोड़ करना शुरू कर देता। उस बच्चे का नाम रहमत अली था। जब रहमत अली बड़ा हुआ तो उसके अहम उम्र के बच्चे उसके साथ खेलने को आते। अगर किसी बच्चे ने सैयद साहब से कहा, यार गन्ना नहीं खिलवाते, तो सैयद साहब मौला बख्श से कहते कि मौला बख्श हमारे यार को यारी दो। मौला बख्श गन्ना छीलकर जिस बच्चे को सैयद साहब कह देते दे दिया करता था। मौला बख्श पर सवारी करने और गन्नों के लालच से लड़के तमाम दिन वहीं जमा रहते। कोई लड़का कहता, मौला बख्श यार चढ़ी दिलवाओ, तो ये अपनी सून पर से या पाँव को टेढ़ा करके उस लड़के को ऊपर चढ़ा लेता था। जब लड़के ज़्यादा होते और उनमें से कोई कहता, मौला बख्श यारी आवे, तो मौला बख्श गन्ना छीलकर सून में ले लेता और तमाम लड़कों की नज़र से बचाकर उस लड़के पर गन्ना फेंक देता था। ये भाई उसके एक तरह के कोडवर्ड थे जिनको वो समूह हाथी समझ जाता था। अब हम आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। जब चिड़कुटा मौला बख्श को रोटी देता तो वो हर निवाले में इसे एक किनारा रोटी का अपनी बांस से बाहर निकाल देता था। चिड़कुटा मतलब होता है उस हाथी की देखभाल करने वाला। जब वो हाथी को रोटी देता था तो वो अपने मुँह में से एक रोटी का जो कोर होता है उसे बाहर निकाल देता था। जो भी लड़का पास खड़ा होता दौड़ता उस टुकड़े को पकड़ लेता था। अब हम आगे पढ़ते हैं। हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती है। बच्चा उसको जोर करके तोड़ता और मरोड़ता। गर्जे में हजार दिक्कत जब टुकड़ा उसके हाथ आ जाता और बच्चा वो टुकड़ा लेकर भाग जाता, उस वक्त मौला बख्श वो निवाला खाता था। यानी कि जब तक वो किसी बच्चे को उसकी रोटी में से थोड़ा सा कोर तोड़ के नहीं दे देता, एक निवाला तोड़ के नहीं देता, तब तक वो हाथी वो रोटी को नहीं खाता था। निवाले में से जब तक कोई बच्चा टुकड़ा ना ले लेता वो रोटी ना खाता था। लड़कों से मौला बख्श का बड़ा पक्का याराना था, यानी कि अच्छी दोस्ती हो गई थी। जहाँ किसी लड़के ने मौला बख्श से कहा कि मौला बख्श निक्की आवे, मौला बख्श अपना एक पांव उठा लेता था। और वही लड़का जब घुटने की कहता तो मौला बख्श अपना पांव जमीन पर रखता था। अगर फेल खाने के यानी कि हाथी खाने के किसी आदमी ने बच्चों को धमकाया, यानी कि उनको जब वो डराया और निक्की मांगकर चले गए, यानी कि जब वो हाथी खाने के में से किसी आदमी ने अगर किसी बच्चों को डरा दे देते और वो बच्चा अगर उससे निक्की मांगकर चला जाता तो मौला बख्श उसी तरह अपना पाँव उठाए खड़ा रहता। हर चंद से साहब कहते वो बच्चा था चला गया, लेकिन मौला बख्श कब सुनते थे। जब इसी लड़के को बुलाकर लाते और वही लड़का कहता कि मौला बख्श घुटने की, तब जाकर वो अपना पांव जमीन पर रखता था। यानी कि उसी बच्चे की वो सुनता था जो उसे पैर ऊंचा करने के लिए कहता था, और जब तक वो बच्चा नहीं कहता वो ऐसे ही खड़ा रहता था। मौला बख्श जब अपने गन्ने लाता था और बाजार में कोई लड़का कहता कि मौला बख्श निक्की आवे, तो मौला बख्श फौरन अपना एक पाँव उठा लेता। चिड़कुट्टा हर चंद कहता, बेटा चल, लेकिन क्या मजाल जो ये आगे सरक जाए। जब तक घुटने के वही लड़का ना कहे मौला बख्श टस से मस ना होता था, यानी कि उसी बच्चे की फिर वो सुनता था। एक रोज फेल बांधने यानी फेल बांधना होता है हाथी, यानी कि हाथी बांधने बादशाह से गर्ज की, यानी कि जो हाथी की देखभाल करता था उसने हाथी से बादशाह से कहा, हुजूर मौला बख्श तमाम गन्ने और रातिब
की रोटियां बांट देता है। रात का मतलब होता है जानवरों को देने वाला खाना। पहरे पर हुक्म दे दिया जाए कि कोई लड़का उसके पास ना आ पाए, यानी कि पहरे को हुक्म दे दो कि कोई भी लड़का वहाँ आती के पास ना आए, क्योंकि वो अपना खाना उन बच्चों में बांट देता है। चुनांचे बादशाह ने हुक्म दे दिया। सुबह को हसबे मामूर मौला बख्श ने लड़कों का इंतजार किया। फिर सुबह हुई तो उस मौला बख्श हाथी ने बच्चों का बहुत इंतजार किया। जब कोई लड़का ना आया तो मौला बख्श ने गन्ने ना खाए, शाम को रातिब ना खाया, पानी ना पिया, दूसरा रोज गुजरा। फेलबान ने हर चंद कहा बेटा रोटी खा ले, लेकिन मौला बख्श ने कुछ ना खाया। जब तीसरा रोज हुआ तो फेलबान को ख्याल हुआ कि ये तो मर जाएगा। उसने जब बच्चों का इंतजार किया और बच्चे नहीं आए तो एक दिन भी गुजर गया, उसने कुछ भी नहीं खाया। दूसरा दिन भी गुजर गया, तब भी उसने कुछ भी नहीं खाया। तो फिर तीसरे दिन में फिर उसने जो उसका फेलबान था उसने सोचा कि ऐसे तो ये मर जाएगा अगर ना खाएगा। मजबूरन बादशाह के पास गया और गर्ज के यानी कि उनसे कहा हुजूर मौला बख्श ने तीन रोज से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर बादशाह ने फरमाया भाई मैं भी फकीर हूँ और मेरा हाथी भी ऐसा ही है। खुदा ने हमको इस वास्ते दे दिया कि बांट कर खाए। पहरे पर हुक्म दो कि किसी लड़के को ना रोका जाए। गर्ज जब लड़के आए तो मौला बख्श ने रातिब और गन्ने बांट कर खाने शुरू कर दिए। मौला बख्श जब बादशाह के रूबरू आता था तो दोनों घुटने टेक कर और सर झुका कर सलाम करता था। उसकी मस्तक इतनी बुलंद थी कि सैयद साहब ऊपर बैठे हुए दिखाई नहीं देते थे, यानी कि उसका सिर इतना ऊंचा था कि जब वो सैयद साहब थे वो चलाने वाला हाथी को, तो वो जब उस पर बैठते थे तो वो भी उस पर दिखाई नहीं देते थे। और जब बादशाह सवार होते तो निहायत अदब से सर नंगी चलता था, यानी कि सर झुका के वो चलता था। ये आज का आपका सबक यही समाप्त होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको करने हैं और मुझे भेजना है।